बयान किया उनकी बाबत गुफ्तगू की जिन्हें अल्लाह आलमीन ने और अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हराम करार दिया उन्हीं में से एक किस्म है मुशरिक औरतों से निकाह करना देखिए तो इस मसले की मुशरिक से निकाह का जो मसाला है इस मसले की दो सूरतें हैं कोई मुसलमान मर्द मुशरिक औरत से निकाह करे कोई मुसलमान औरत मुशरिक मर्द से निकाह करे ये दो सूरतें हैं इसके अलावा एक और सूरत यह है कि कोई ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है चाहे वो अहले किताब में से है या फिर ये कि मुशरिक है मुसलमान नहीं है वो शख्स किसी मुस्लिम औरत से शादी करे ये अलग अलग मसाइल हैं हम इन सबसे पहले आपके सामने मुसलमान मर्द और, और औरत के गैर मुस्लिम से निकाह करने के ताल्लुक से बयान करेंगे अल्लाह अबालमीन ने कुरान में बयान फरमाया कि वला तन औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक के वो ईमान कबूल कर लें जिस तरह अभी मैंने कई एक शलुत बताई ना शरात बताई कि ये शर्त है ये शर्त है ये शर्त है जिस तरह मुसलमान औरतों से निकाह में वली की इजाजत शर्त है उसी तरह मुशरक़ औरतों से निकाह करने में उनका ईमान शर्त है और शर्त का माना आप जानते हैं कि शर्त उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके बगैर अमल काबिल कबूल नहीं होता है मुकम्मल नहीं होता है गैर काबिल कबूल है जिसकी मिसाल वजू और नमाज की ले लें तो अगर शर्त नहीं पाई गई तो अमल हो ही नहीं सकता है जायज़ ही नहीं होगा लिहाजा ये जो मसाला है किसी मुसलमान का मुशरिक औरत से निकाह करना मशरक औरत से निका के लिए बुनियादी तौर पर शर्त यह है कि वह औरत इस्लाम कबूल कर ले जैसा कि अल्लाह रबालम ने में जिक्र किया है अलबत्त जो गैर मुस्लिम हजरात हैं उनमें दो किस्म हैं एक तो वो हैं जिन्हें हम अहले किताब कहते हैं और एक वो हैं जो इनके अलावा हैं जो अहले किताब नहीं हैं अहले किताब से क्या मुराद है अहले किताब से मुराद ये है कि वो लोग जिन्होंने किसी नबी पर ईमान लाया और किसी आसमानी किताब को मानने वाले हैं यानी वो ये ईमान रखते हैं कि एक अल्लाह है जिसने इस दुनिया को बनाया है और वो ये ईमान रखते हैं कि मिसाल के तौर पे हजरत ईसा नबी हैं ऐसे को अहले किताब कहा जाता है अहले किताब की औरतों से मुसलमान मर्द शादी कर सकता है चे जाए कि वो औरतें अपने दीन पर ही क्यों ना रहें अभी इससे कुछ देर कबल मैंने क्या बयान किया कि मुशरक औरतों से निकाह नहीं हो सकता है अगर मुशरक है तो उसे ईमान कबूल करना पड़ेगा लेकिन अभी मैंने दूसरी किस्म बयान की कि अहले किताब की अगर औरतें हैं तो उनकी औरतों से निकाह हो सकता है गर्चे वो अपने दीन पर ही बाकी रह रही हैं गरचे वो इस्लाम कबूल नहीं कर रही है उनसे निकाह जायज़ है जिसकी दलील अल्लाह आलमीन का ये फरमान है और उन पाक दामन औरतों से जिन्हें तुमसे पहले किताब अता की गई किताब दी गई तो अल्लाह आलमीन ने इस आयत में अहले किताब की औरतों से निकाह जायज करार दिया है यहां पर एक नुक्ता और एक तंबी जरूरी है और वो तंबी ये है कोई औरत मिसाल के तौर पर नसरानी है या यहूदी है लेकिन वो अल्लाह आलमीन के वजूद का इनकार करती है मुलहिद है या फिर यह के नबी का इनकार करती है जो अंबिया है जो इससे पहले अंबिया भेजे गए उनमें से किसी को नहीं मानती है ऐसी औरत मुलहिद है और ये अब अहले किताब बाकी नहीं रही लिहाजा इससे निकाह जायज नहीं होगा खा वो अपने आप को ये कहे कि वो क्रिश्चियन है या फिर ये कहे कि वो यहूदी है उसके लिए लाजिम है कि वो किसी नबी की तरफ निस्बत करती हो नबी को मानती हो

कोई इख्लाफ नहीं है यानी तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक और इजमा है अहले किताब की औरतों से यानी वो औरतें जो आज़ाद हैं पहले जमाने में होता था कि गुलाम और लौंडियाँ होती थी अभी जमाने में वो तकरीबन मादूम है खत्म है तो अहले किताब की आज़ाद औरतों से निकाह हलाल है इस पर उम्म का इतफाक भी है कहा कि अहले किताब के अलावा जो दूसरे कुफार हैं जैसे वो लोग जो बुद्ध की पूजा करते हैं या पत्थर और दरख्तों की पूजा करते हैं या फिर ये के किसी हैवान और जानवर की पूजा करते हैं फला खिलाफ इल्मी फी तहरीमी निशा अहल इल्म के दरमियान उनकी औरतों से निकाह की हुरमत के सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं है लिहाजा अहले किताब और गैर अहले किताब के दरमियान इस फर्क को याद रखे इस बाब में यानी इस तल्लु से गैर मुसलिमा से निकाह नहीं कर सकते हैं इसमें एक और मसला दाखिल होगा और वो है नऊजब्ला अबालमीन हम सब को ईमान पर मरते दम तक साबित कदम रखे अल्लाह अब्बमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए हमें उन फितनों से महफूज रखे जो हमारे ईमान पर हमला आवर होते हैं कि अगर कोई इस्लाम से फिर गई मुरतद हो गई तो ऐसी औरत से भी निकाह जायज नहीं है क्योंकि मुरतद यानी काफिर है। अब मोमिन बाकी नहीं रही लिहाजा ऐसी औरतों से निकाह जायज नहीं हो सकता हराम है वो अहले किताब भी अब नहीं रही अंबिया का इनकार है और वो काफिर रही लिहाजा उससे निकाह जायज नहीं है और इन अयाम में इन दिनों हमने कई एक ऐसे वाक़ात सुने हालांकि अगर हम उन वाकयात को मुसलमानों के दरमियान देखे मुसलमानों की तादाद के मुताबिक और उनके हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा वाकयात नहीं है लेकिन फिर भी इन अयाम में उन वाकयात का बढ़ जाना तशवीशनाक अमर है और वो ये कि बाज मुस्लिम लड़कियां इत का शिकार हो रही हैं दीन इस्लाम को छोड़ रही हैं देखिए इसका इलाज लाजिम है ये एक बीमारी और एक मरज है और मैं थोड़ा यहां पर अपने टॉपिक से हटता हूं ताकि एक नसीहत कर दू नसीहत यह है कि नबी ने फरमाया व और, और हर शख्स जो उसकी निगरानी में है, उसके ताल्लुक से क्यामत के दिन सवाल किया जाएगा पूछा जाएगा वालिद अपने बच्चों के ताल्लुक से पूछे जाएंगे उसी तरह से घर का जो जिम्मेदार है वो अपने घर के अफरा के ताल्लुक से सवाल किए जाएंगे बुनियादी सवाल सबसे बड़ा सवाल ईमान के ताल्लुक से होगा आज लोग अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को अभी तीन चार साल के होते हैं और डाल देते हैं क्रिश्चियन के स्कूल में डाल देते हैं ऐसे स्कूल में जहां सुबह पहली पहली आवाज जो उसके कानों में पड़ती है वो शिरकिया होती है प्रे के नाम पर क्या सिखाया जाता है पहली जो चीज पड़ती है उसके कान में वो शिरक है एक बच्चा शुरू से चार साल की उम्र से लेकर सोलह और अट्ठारह साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ हर दिन शिरक सीखता है शिरक सुनता है तो उसके दिमाग में उसके दिल में उसके जहन में शिरक नहीं बैठेगा तो ईमान बैठेगा क्या और उस पर मुसीबत यह है देखिए एक तो ये मुसीबत है और उस पर दूसरी मुसीबत यह है कि जब वो बच्चे घर आते हैं तो हम उन्हें अपने दीन के बारे में नहीं बताते हैं उन्हें हम ये नहीं बताते हैं कि बेटा या बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया में क्यों भेजा है तुम्हारा रब कौन है तुम्हारे आने का मकसद क्या है दीन इस्लाम ही इस रूए जमीन पर सबसे सही दीन है क्यों है क्या इसबाब है दीन इस्लाम में क्या अच्छाइयां हैं उसकी क्या खूबियां हैं हम नहीं बताते और इस पर एक और मुसीबत का इजाफा करें कि हमें यह मालूम भी नहीं होता है तो हम बताएंगे क्या ना हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम दीन सीख सकें खसूस ईमानियात के बारे में सीख सके ना हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम अपने बच्चों को बता सके फिर जब ये बच्चे शुरू से शिरक सीखते रहते हैं धीरे धीरे पुख्ता हो जाते हैं शिरक में और आगे चल करके वो इस्लाम का इनकार कर देते तो जब ये बच्चे फिर बड़े होते हैं तो इनके जहन में वो शिरकिया बातें पुख्ता हो जाती हैं और फिर वो इस्लाम का इनकार कर देते इस्लाम से निकल जाते हैं आप उन्हें सिखाएँ दीन इस्लाम क्या चीज़ है और ये कितनी बेहतरीन चीज़ है कितना एक बेहतरीन दौलत है तो ये हमारे ऊपर वाजिब होता है ये एक बड़ा सबब है जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ इस्लाम से इनहराफ का शिकार हो रही हैं इर्तदाद का शिकार हो रही हैं अल्लाह न करे अगर कहीं ऐसे वाक़ात पेश आ गए तो ऐसी लड़कियों से किसी मुसलमान लड़के का निकाह जायज़ नहीं है क्योंकि वह गैर मुसलिम हैं इसके बाद का मसला है कि मुस्लिम लड़कियों का निकाह गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिम लड़कियों का निकाह गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जायज नहीं है हराम है क्योंकि अल्लाह आलमीन का फरमान है वाला तुन के हत्ता युमिनू के मुशरिकीन से मुशरिक मर्दों से मुशरिक लड़कों से अपनी बेटियों की या बहनों की या औरतों की शादी न करवाओ यहाँ तक के वो लोग ईमान कबूल कर लें अल्लाह आलमीन ने यहाँ भी ईमान को शर्त करार दिया है मुस्लिम लड़कियों से निकाह के लिए अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहती है तो लाजिम है कि वो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करे और फिर उस लड़की के वालिद उसको इजाज़त दें क्योंकि वली की इजाज़त शर्त है और अगर ऐसा नहीं करती है तो ये निकाह हराम है जायज़ नहीं है और आजकल ये फितना भी बहुत हो चला है बहुत आम हो गया है पहले पहल मुस्लिम औरतें अपने आप को मुआजत समझती थी ये जो ईमान की दौलत है ये ईमान की दौलत एक मुमिन औरत को इज्जत बख्शता है ये ईमान की दौलत एक मुमिन औरत को मज्जत बनाता है और पहले आप तारीख पढ़ लें सीरत पढ़ लें आप देखेंगे कि मुसलमान की औरतें मुसलमानों से शादी करने के लिए शर्त लगाती थी कि वो दीनदार हो बेदीन को तो वो पसंद ही नहीं करती थी जबकि आज ऐसा मामला हो गया है कि कि बेदीन तो तो छोड़िए ये अब एक आम रस्म, आम रस्म चलन हो गया है कि लोग अब निकाह में और शादी ब्याह में दीनदार को तलाश नहीं करते बल्कि अब तो बाज लोग इसे ऐब समझते हैं कि दीनदार शख्स से अपनी बेटी का निकाह करवाए ये अब बाज लोगों के नजदीक ऐब की बात है अगर कोई मौलाना दाढ़ी टोपी वाला कोई मदरसे का अगर उसने किसी अमीर शख्स के घर में या फिर मुतवस्त तबके में भी रिश्ता भेज दिया तो बाज लोग इसे मायूब समझते हैं लड़कियां इसे मायूब समझती हैं तो दीनदार की बात तो अभी दूर की है दीनदार को ऐब समझा जाता है बेदीन से रिश्ता किया जाता है बाज लड़कियां उससे भी नीचे उतर जाती हैं तो उनसे रिश्ता कर लेती हैं या उनसे निकाह करना चाहती हैं जिनके पास दीन और ईमान नाम की कोई चीज नहीं है काफिर है मुसलमान नहीं है ये कैसे तस्वूर कर सकती है कोई औरत कोई लड़की कि जो बंदा जो शख्स अपने पैदा करने वाले का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो सकता है वो जानता है उसकी फितरत में ये बात है वो ये इकरार करता है और लाजिमन ये इकरार करना पड़ेगा कि इस पूरी कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक है और वो ऊपर वाला है अगर बात ये है तो फिर ऐसा क्यों है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर दूसरे के लिए इबादतें करते हैं दूसरे की पूजा करते हैं तो ये ईमान की एक दौलत है इसको आप समझें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इसकी तौफीक दी है और अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तौफीक दी है तो आप इसकी हिफाजत करें ये याद रखें कि जो अपने रब का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता जिसने अपने रब के हुकूक नहीं जाने वो आपके हुकूक क्या जानेगा और इनकी तारीख पढ़ लें ये जो कुफार और मुशिकीन की तारीख है उठा करके देख ले कि इनके जमाने में औरतों को तो जीने का हक नहीं था लड़कियां जिंदा दफनाई जाती थी घर में अगर किसी के लड़की होने की खबर दी गई तो कुरान ने इन अल्फाज में कहा कि वर लवज चेहरा से पड़ जाता था गैजो गजब और गुस्से की आलम में होता था तो ये तो उन लोगों का का मामला था इस्लाम आया तो उसने कहा नहीं औरतें मुआज हैं वो सर का ताज हैं उन्हें जीने का सिर्फ हक नहीं बल्कि वो हमारी नस्ल की तरबियत के लिए एक पहला मदरसा है उन्हें इज्जत देकर ऊंचा मकाम दिया है तो इनकी तारीख उठा करके देखे इन्होंने औरतों को जानवरों से बदतर समझ रखा था और आप इनसे शादी करके इनसे बीवी होने के हुकूक लेंगी इनके साथ जिंदगी गुजारेंगी जिन्होंने एक जमाने में बल्कि अभी तक अभी तक औरतों को उनका सही हक नहीं दिया लिहाजा आप इस फर्क को समझें और मुशरकिन से निकाह का तस्वूर दिमाग से निकालें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें अल्लाह के सामने जवाबदेही से डरें अल्लाह अब आलमिन ने फरमाया फीन आलि तुम नमिना तिन फला तर्जनकफ़्फ़्फ़्फार अगर तुम इन्हें जान लो तुम्हें मालूम हो जाए कि ये मुमिना है फला तर्ज उहन्न न इल्कुफ़्फ़्फ़्फ़ार तो इन्हें कुफ़ार की तरफ वापस न भेजो ला नहुम ये इन कुफ़ार के लिए हलाल नहीं है हराम है वह कुफ़ार इनके लिए हलाल है हरमत का मसाला है इसको आसानी में और बहुत ईजी वे में नहीं ले उमर रजील अनह का फरमान है जिसे इमाम रहमहुल्लाह ने मुसनफ में नकल किया है المسلم يتزوج अलमुसलिम कि मुसलमान औरत से शादी कर सकता है المسلم يتزوج नी क्रिश्चियन से शादी कर सकता है النصراني युसलिमता के नसरानी यानी क्रिश्चियन मर्द किसी मुसलमान औरत से निकाह नहीं कर सकता शादी नहीं कर सकता है मतलब ये एक तरफा ये जो इजाजत है कि अहले किताब से शादी कर सकते हैं ये एक तरफा है मुस्लिम औरतें वहां नहीं जा सकती हैं मुस्लिम औरतें अहले किताब के लिए हलाल नहीं है अलबत्ता उनकी औरतों को ला सकते हैं क्योंकि अगर हम उनकी औरतों को लाएंगे तो हमारे इख्तियार में होंगी हमारी जिम्मेदारी में होंगी हम उन्हें दीन सिखाएंगे और मुसलमान की औरतें अगर वहां जाएंगी तो फिर भटकने का और उनको पूरा का पूरा माहौल जो मिलेगा वो क्रिश्चियन वाला माहौल मिलेगा तो उस माहौल में जाएंगी और वहां से अगर कोई लड़की आती है यहां तो उसे जो पूरा का पूरा का माहौल मिलेगा वो वाला इस्लाम वाला मिलेगा तो ये यह यहाँ के माहौल में इंशाल्लाह ढल जाएगी इसीलिए मुसलमान मर्द अहले किताब की औरतों से शादी कर सकता है अहले किताब के मर्द मुसलमान औरतों से शादी नहीं कर सकते इस कौल की बुनियाद पर हमें ये समझना चाहिए और ये देख लें कि जब नसरानी और अहले किताब के मसले में यह मामला है कि नसरानी से मुसलमान की औरतों की शादी नहीं हो सकती है तो गैर मुस्लिम जो हो जो काफिर हो जो मुशरिक हो उनसे क्यों कर निकाह हो सकता है और उनसे क्यों कर शादी हो सकती है यह बदरज ओला इस बाब से अम्र में दाखिल होता है कि बदरज औला ऐसी औरतों से बदरज ओला ऐसे मर्दों से शादी जायज़ नहीं है जो गैर मुस्लिम हैं जो काफिर हैं जो हालत शिरप में हैं लिहाजा अपनी बच्चियों की खास करके तरबियत करें उन्हें ईमान सिखाएं दीन इस्लाम के महासिन बताएं उन्हें कुफर की संगीनी बताएँ उन्हें कुफर के तल्ल से जो खराबियाँ हैं वो बताएँ और उन्हें ये बताएँ कि इस्लाम ने इसको किस कदर सख्त तरीके से हराम करार दिया है इन शगली नशस्तों में हम चंद और नए मौजुआत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे हमारे साथ रहें जुड़े रहें सुनते रहें अल्लाह अल्ला अब्बुलमी हम तमाम को अपनी हिफाजत में रखे हमारे ईमान की हिफाज़त फरमाए जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह अब्बालमीन ईमान पर जिंदा रखे आमीन व आखिर दावाना अनिलहमदिल्ला अबीन वसलम आलकमल वर्का ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें